नमस्कार, मैं भावना सोनी, आप देख रहे हैं आवाज डेली हरसी टीवी। पतरातू में विस्थापित प्रभावित अधिकार समिति का प्रथम स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में आश्वासन और वादों की लगी झड़ी। ज्ञात हो कि शुक्रवार को विस्थापित प्रभावित अधिकार समिति ने अपना प्रथम स्थापना दिवस मनाया, जिसमें स्थानीय विधायक अम्बा प्रसाद और मुख्य अतिथि कार्यक्रम में उपस्थित रही। वहीं झारखंड सरकार के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने भी इस स्थापना दिवस में शिरकत कर कई सारे वादे किए, जिनमें मुख्यतः विस्थापित कार्ड बनवाने का भी आश्वासन दिया गया। दूसरी ओर समिति के अध्यक्ष खुशबू देवी एवं प्रदीप साहू द्वारा लोगों के मनोरंजन का भरपूर ध्यान रखते हुए कई नृत्य एवं गानों का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम की सफलता का इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अतिथियों के जाते ही वहाँ जश्न का माहौल बन गया। सैकड़ों की संख्या में महिला एवं पुरुष ने जमकर नृत्य किया, जिसमें स्टेज में अध्यक्ष खुशबू देवी के साथ प्रदीप साहू एवं समिति के कई अन्य सदस्यों ने भी इसका भरपूर आनंद उठाया। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इस तरह का नृत्य संगीत ने समा कुछ इस कदर बांधा मानो लोगों की उनकी मांग पूरी होने की खुशी मिल गई हो, विस्थापितों को भी नौकरी मिल गई हो। बड़कागांव विधानसभा के विधायक अम्बा प्रसाद ने जोर देकर कहा कि हम विस्थापित प्रभावित लोगों को उनका अधिकार दिलाकर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। उन्होंने कहा कि संघर्ष हमारे खून में है और मैं संघर्ष की ही उपज हूँ। मोर्चा एवं समिति के कई पदाधिकारियों को ठेके मिल रहे हैं और कई लाभ मिल रहे हैं, फिर विस्थापितों का अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है? उक्त बातें विधायक अम्बा प्रसाद ने कही। वहीं मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि जनता को सही उम्मीदवार चुनना चाहिए और स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता देनी चाहिए। बाहरी लोग हमारे दर्द को नहीं समझ सकते हैं। मंच से संबोधन के दौरान आरजेडी के गिरधारी गोप ने भी कहा कि हमें अपनी लड़ाई हर हाल में लड़नी पड़ेगी, तब ही जाकर हमें सफलता मिलेगी। इन सब के बीच कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष असगर अली ने कुछ अलग ही अंदाज में मंच से संबोधन के दौरान कह डाला कि हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। कोई भी मंत्री या विधायक इस लड़ाई में हमें विजयी नहीं बना सकते। हमें अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए कमर कसनी होगी, तभी सफलता मिलेगी। पतरातू से विकास पाठक की रिपोर्ट। ये जो इतना सारा पदाधिकारी है इस मोर्चा का, समिति का, आखिर क्या करते हैं ये लोग? कंपनी से जाते हैं तो क्या बात रखते हैं हमारा? क्यों हम लोग को अधिकार नहीं मिल रहा? ये लोग को जब ठीका मिल रहा है, पट्टा मिल रहा है, तो हम लोग का अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है? तब जाके कुछ लोग को समझ में आया, जो उनको मार्गदर्शन समझते थे वो उसे टूट के ये प्रण लिए कि अब हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और देखते हैं कि कैसे हम लोग का अधिकार, जो हमारा जेन्युइन अधिकार है, वो कैसे नहीं मिलता। और अभी सरकार ने एक अच्छा कानून बनाया, सभी आप जानते हैं कि जो कंपनी यहां बैठाएगा 75% नौकरी यहां के लोगों के दायित्व, कानून बन गया। कोई पॉलिसी नहीं है, ये कानून है। अगर नहीं मानेंगे तो उस पर केस होगा, मालिक पर, मैनेजमेंट पर केस होगा। ये उसका मतलब हुआ। कानून बनाने से फायदा क्या होता है कि अगर जो नहीं मानता है उस पर मुकदमा दायर किया जाता है, मालिक पर किया जाएगा, मैनेजमेंट पर किया जाएगा। तो मालिक और मैनेजमेंट समझ लो इस बात को, किसको मजाक नहीं समझे इस कानून को, इस कानून को पालन करना होगा। आज के दिन झारखंड में पढ़े लिखे लोगों की जरूरत नहीं है। बहाना बनाएंगे, काम एडवर्टाइज किए, जूनियर इंजीनियर नहीं मिला पन्ना कारखाना के लिए, इंजीनियर बढ़िया नहीं मिला। अरे भाई, जो यहाँ इंजीनियर है वो भी कॉलेज में पढ़ता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में, हो सकता है कम नंबर लाया होगा, लेकिन काम करने बहुत ज्यादा होशियार होगा। ये जरूरी रहेगा कि ज्यादा नंबर लाता हो, ज्यादा होशियार होता है काम करने में। और मैं विस्थापित प्रभावित भाइयों से बहनों से भी आग्रह करना चाहूंगा, इसीलिए हम सरकार के भरोसे, एमएलए और एमपी और मंत्री के भरोसे रहे, कतई हमको अपना हक मिलने वाला नहीं है। जब आज मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि बैंक से हम लोग कर्ज मांगने जाते हैं, कोई संस्था चलाते हैं, अपना काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, बैंक उसी को मदद करती है जिसके पास कम कर